संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित किए जाने के रास्ते में अड़ंगा डाल दिया था। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के निर्णय को चीन ने होल्ड पर रखा हुआ है, जिसकी समय सीमा अब खत्म होने जा रही है। इस सप्ताह के आखिरी तक चीन को मसूद अजहर और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद के बैन पर अपना रुख साफ कर देना होगा। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का प्रमुख और पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। मसूद अजहर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन चीन की वजह से यह आतंकी अब तक खुला घूम रहा है। भारत पिछले एक साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन चीन के अड़ंगा डालने की वजह से यह प्रस्ताव अब तक यूएन में लटका हुआ है। अगर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित कर दिया जाता है तो उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, उसके यात्रा करने पर भी रोक लगा दी जाएगी। अगर चीन अपने होल्ड को आगे नहीं बढ़ाता है तो मसूद अजहर खुद ब खुद आतंकी घोषित हो जाएगा। साथ ही जैश ए मोहम्मद भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर चीन अपने होल्ड पर कायम रहता है तो कमेटी इस मसले पर विचार विमर्श करने के लिए और वक्त लेगी। आपको बता दें, यूएन के 15 देशों में चीन ही एक ऐसा देश है जिसने इस फैसले को होल्ड पर रखा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अब भी अगर चीन अपने रुख पर कायम रहता है तो भारत ने भी चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि चीन पर दबाव डालने के लिए भारत ने पहले ही एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। अगर चीन अपने होल्ड को कंटिन्यू करता है तो भारत कई दूसरे आतंकियों जैसे मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर, लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद के कुछ और आतंकियों पर बैन लगाने का प्रस्ताव रख सकता है। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पीआर एक्टिविटी भी बढ़ाएगा, जो चीन की छवि के लिए खतरनाक होगा। हालांकि हाल ही में चीन ने कहा था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए और न ही इसके नाम पर राजनीतिक फायदा उठाया जाना चाहिए। पर मसूद अजहर पर चीन बैन लगाएगा या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं किया है।